नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के द्वारा मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि दीक्षा ऐप पर जारी किए गए प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे तीन मुख्य बिंदु दिए गए हैं, ये पहले आप समझ लें। पहला आपके लिए दिया गया है कि इस समय प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण पत्र केवल उपचारात्मक प्रशिक्षण के लिए दिया जाएगा, अन्य किसी भी प्रशिक्षण के लिए प्रमाण पत्र अभी नहीं दिया जाएगा। तो ये याद रखिए, आपको किसके लिए मिलना है अभी, उपचारात्मक शिक्षण के लिए। दूसरा पॉइंट आपके लिए है, ये दूसरा पॉइंट है आपका, यह प्रमाण पत्र बैचों में जारी किया जा रहा है। बैचों में जारी किया जा रहा है का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको SMS आएगा एक तरीके का आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जिसमें आपको यह सूचित किया जाएगा कि आपका प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। और यह प्रशिक्षण जो भी शिक्षकों ने 1 अगस्त 2020 से पहले प्राप्त किया है उनको ही जारी किया जा रहा है। और थर्ड पॉइंट आपके लिए है कि प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी के लिए कृपया ईमेल ना करें, हेल्पलाइन नंबर ये आपको डिस्प्ले पे है, इस पर आपको संपर्क करना है। और सोमवार से शुक्रवार 9 बजे से शाम 6 बजे तक, ये आपके नंबर हैं, इसी पे आपको सूचित किया जाएगा, आप फ़ोन करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि दीक्षा ऐप से हम प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास दीक्षा ऐप होना चाहिए, जैसे ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। दीक्षा ऐप को हम ओपन करते हैं और आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपकी एक आईडी होगी उसके द्वारा। यहाँ पे एक आइकन शो होगा फिर प्रोफाइल का, ये आप देख सकते हैं प्रोफाइल शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल ओपन होगी। ये देखिए जैसे ओपन होता है, ये शिक्षक का नाम हो गया और ये उसकी आईडी, यहाँ पे आपको जिला जनपद राज्य आदि सब जानकारियाँ मिलेंगी, ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह आप उसमें जोड़ सकते हैं। और अगर ये पहले से है तो बहुत अच्छा है। तो हम आते हैं नीचे स्लाइड करते हुए, यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किए हैं उनकी संख्या दिखाएगी। जैसे यहाँ पर 2 प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, पहला है बच्चों का पढ़ने से परिचय और दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का ही हमें प्रशिक्षण प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है और यहाँ आप देख रहे हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन एक आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि डाउनलोड हो जाएगा और नोटिफिकेशन हमें एक आएगा, तो हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड प्रोसेसिंग हो रहा होगा। ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया डाउनलोड कंप्लीट का, इसको आप ओपन करते हैं। अब ओपन करने के लिए आपको PDF रीडर होना चाहिए, कोई भी ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, WPS या ड्राइव PDF जो भी आपको सूटेबल लगे। तो मैं मान लीजिए PDF से ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट आ गया है, शिक्षक का नाम लिखा है, उपचारात्मक शिक्षण 28 जून 2020।